नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर वैशाली जी हैं जिनके साथ सीधी बातचीत दिखा रहे हैं। जानते हैं आज ये कितने आस्था कितना विश्वास लेकर डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुंची हैं। नमस्कार डॉक्टर वैशाली जी, द फैक्ट में आपका स्वागत है। मैम, आप कितने समय से जानते हो डेरा सच्चा सौदा संस्था को? 20 साल से। कहाँ से आए हो मैम आज आप? जिरादरी से। डेरा सच्चा सौदा संस्था में आज किस आस्था किस विश्वास से आए? आस्था तो अपने आप बन जाती है जब आपको अपने चीज़ें दिखती हैं सामने, क्योंकि हर बार आप क्या जो भी आप मानते हो, जरूरी नहीं आठों देखा सच हो, लेकिन जब आप चीज़ों को देखते हो समझते हो तो आस्था अपने आप बनती है। किसी के कहने पर या किसी के बोलने पर आस्था नहीं बनती। आपको लगता क्या है मैम, डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कैसे कार्य किए जाते हैं? यहाँ पे हमेशा से ही मानवता भलाई के कार्य करते आए हैं और वही करते रहते हैं। इन्होंने कभी भी कोई अलग चीज़ नहीं करी, ये हमेशा दूसरों की भलाई, दूसरों के बारे में सोचते हैं अपने आप से सोचने से पहले। मैम, जो आरोप लगाए गए हैं संत जी के ऊपर वो सब गलत है। कभी भी आपने ऐसा महसूस किया हो बीइंग गर्ल, कभी भी ऐसा लगा हो आश्रम में? नहीं, तो एज अ डॉक्टर, एज अ गर्ल, मैं ये श्योरिटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो सारे गलत हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप आज देख सकते हो कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे औरतें यहाँ आई हैं। अगर ऐसा 8% भी होता तो आप खुद मान सकते हो कि कोई भी लड़की यहाँ ना आना चाहती। मैम, सच क्या है फिर? संत जी का करेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है? संत जी का कैरेक्टर आप वो समझ सकते हो, जैसे गंगा जी का पानी हमेशा से माना गया है कि पवित्र है। हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा का भी कैरेक्टर वैसा ही है। उनका गंगा से भी ज़्यादा साफ कैरेक्टर है। सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगा देने से वो आरोपी नहीं माने जा सकते। कुछ चीज़ें आज भी खुलकर सामने नहीं आई हैं, हम वेट कर रहे हैं, जब भी वो सामने आए तो अच्छी आए। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम सरकार से बस इतना ही कि हमारे गुरु पापा तो जल्दी ही हमारे बीच भेजा जाए, और दूसरा अगर हम मानवता, एटलीस्ट जो हम मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं वो हमें करते रहने देना चाहिए। ज़रूरत है मैम उनकी सोसाइटी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद दे सकते हो, हमारे एक मानवता भलाई का कार्य अगर हम एक ही जिने तो सफाई महाअभियान, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ, एज अ डॉक्टर मैं हमेशा ये प्रिस्क्राइब करती हूँ कि अपने आसपास स्वच्छ रखिए, उससे बीमारियाँ नहीं फैलती। तो सफाई महाअभियान जब हम पूरा शहरों को साफ करते हैं तो उसकी तो ज़्यादा हद से ज़्यादा ज़रूरत है। आगे पीछे अभी बीमारियाँ बहुत सारी फैली हैं, और अगर स्वच्छता नहीं होगी तो और बहुत ज़्यादा गंदी बीमारियाँ फैलने के आसार बढ़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे साथ डॉक्टर वैशाली जी जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा ने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और आज भी ये लोग अपील कर रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए और संत जी समाज में वापस आने चाहिए। देखते रहिए जनता की आवाज़, द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।